मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और हम जानेंगे। बहुत सारे मसीह भाई बहनों के मनों में होता है कि अगर किसी की पति की मृत्यु हो जाए या फिर किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाए तो क्या वह फिर से शादी कर सकती है या फिर कर सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे और बाइबल क्या बताती है वही हम जानेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि अगर किसी की पत्नी या फिर किसी के पति का देहांत हो जाता है तो दूसरे की खोज ना करें। संत पौलुस हमें यह इसलिए बताते हैं दोस्तों कि अगर कोई भी पुरुष या फिर कोई भी स्त्री ऐसा करती है या फिर कोई भी करता है ऐसा, दूसरा विवाह करता है, तो वह विवाहित जीवन में उलझ जाता है। वो हमेशा अपने पत्नी को खुश करने में लगा रहता है या फिर पत्नी अपने पति को खुश करने में लगी रहती है। संत पौलुस हमें यह इसीलिए मना करते हैं कि दूसरे की खोज ना करें। दोस्तों, वो हमेशा अपने परिवारों की चिंता करते हैं, वो अपने बच्चे की चिंता करते हैं, लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं वो प्रभु की चिंता करते हैं, वे हमेशा प्रभु के बारे में सोचते हैं। संत पौलुस हमें यह इसीलिए मना करते हैं कि हमें हमेशा प्रभु की खोज करना चाहिए, हमें प्रभु की चिंता करना चाहिए, ना कि पारिवारिक जीवन में उलझ के रह जाना चाहिए। संत पौलुस हमें यह इसीलिए मना करते हैं। लेकिन यदि कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री अकेले नहीं रहना चाहती है या नहीं रह सकती है, अगर वो अकेले रहने के कारण कोई भी पाप करता है, व्यभिचार में गिर जाता है, तो वह विवाह कर सकती है। संत पौलुस हमें यह बताता है कि वह विवाह कर सकती है और एक दूसरे के साथ रह सकती है। दोस्तों, हम निकालते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 7 का 39वां वचन पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है वह तब तक उससे बंधी रहती है, यदि पति मर जाता है तो वह मुक्त हो जाती है और जिसके साथ चाहे विवाह कर सकती है। दोस्तों, संत पौलुस हमें ये बताते हैं कि अगर पति पत्नी जीवित है तो दोनों एक दूसरे से बंधी रहती है, लेकिन पत्नी या फिर पति का मृत्यु हो जाता है तो वह मुक्त हो जाती है, वह आज़ाद हो जाती है, वह जिससे चाहे वह विवाह कर सकती है, लेकिन केवल एक मसीही व्यक्ति से कर सकती है। संत पौलुस हमें ये बताते हैं। लेकिन दोस्तों, संत पौलुस ये भी बताते हैं कि अगर वह विवाह नहीं करती है तो और भी अच्छा करती है। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि अगर हम किसी से विवाह कर लें, किसी के पति या किसी की पत्नी के मर जाने के बाद, वो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि विवाह करें या ना करें, पाप है या क्या है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, आप चाहे तो विवाह कर सकते हैं, ये कोई पाप नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबको जय मसीह की।